गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल जी। जी मैं एक ट्रक ड्राइवर हाँ कनेडा विच, अते मैं तुहानू अज सारा कुछ ट्रक बारे दसांगा। ट्रक ड्राइवर नू की मुश्किलां सहणियां पैंदियां ने। सवेरे 2:30 बजे मैं उठ खड़िया सी, हुण 3 बज गए आ। सारा कुछ रेडी शेडी हो गए ते किचन विच आ गया सी। चाह मेरी बन रही है, टिफिन मैं अपना नाल दी नाल पैक कर रहा जी। अते 3:30 बजे मेरा काम है जी, 3:30 बजे मेरी शिफ्ट शुरू है जी। हाँ जी, चाह सी बिजली है जी। हम वाहेगुरु का ओट आसरा लैके धन धन बाबा दीप सिंह जी का घरों निकल रहे हैं। बाहर अज काफ़ी ज़्यादा ठंड आ, -5 का टैंपरेचर है। सो मैं अपनी गड्डी स्टार्ट कर चुकिया सी ऑलरेडी, ता कि मेरे आने तक गड्डी गर्म हो जाए। अपने घर तो चल पे जी, मेरे घर तो यार्ड की 12 से 15 मिनट की ड्राइव है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का सिर सवेरे मैं कोई ट्रैफिक नहीं मिलती, रोड सारे खाली होंगे। पहुंच गए जी अपने सिक्योरिटी गेट से यार्ड की, इतने अभी अपनी आई डी शो करके फिर एंट्री करा। इधर जी अपने सारे ट्रक खड़े ने, पार्क होए ने, पर पहले आप जावे जी डिस्पैच ऑफिस, उतों आप पेपर वर्क पिक करांगे नाल ट्रक की कीज। इतने जी आप सेफ्टी वेस्ट की जी खास लौड़ आ, सेफ्टी शूज़ की भी, इन्हों तो बगैर असं यार्ड च एंटर नहीं हो सकते, ना ही सानू कोई पेपर वर्क मिलेगा इस तो बगैर। इधर जी अपना है जी सारा डिस्पैच ऑफिस, डिस्पैच तो असी पेपर वर्क पिक कर लेने नाल ट्रक कीज। अपना ट्रक है 7346। जिहड़ा अपना रूट आ जी वह है जी लंडन का, जिहड़ा ब्रैम्पटन तो है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर जान ते 180 किलोमीटर आन जी। ये है जी अपना ट्रक मिल गया 7346। हुण असी इहदी प्रोपर इंस्पैक्शन करांगे ते फिर यार्ड तो लीव करांगे। हाँ जी, ये ट्रक विच जी एक स्पैशल ऑप्शन आ लैंप चैक की, आलमोस्ट सारे ट्रकों च हुंदी आ। जे तो असी लैंप चैक वाला स्विच नप दांगे, सारियां सानू लाइटां बाहरों ऑन ऑफ करके विखाएगा। इहदे विच सानू हुण इह दसेगा कि दोवें हैडलाइट स्लो बीम चल रहे ने, फोग लाइट्स चल रही वा, राइट इंडीकेटर वर्क करता, लैफ्ट इंडीकेटर भी वर्क कर रहा है, एंड ईवन हाई बीम्स भी चल रही ने। हुण आ जाओ असी बैक साइड चलते हैं। हाँ जी, सी हुण दस रहा ब्रेक लाइट जग रही है बैक साइड तो, प्लस लाइट्स भी ऑन ने, राइट इंडीकेटर वर्क कर रहा, लैफ्ट इंडीकेटर भी बैक साइड तो वर्क कर रहा, एंड ईवन बैक लाइट्स जग रही ने, सो लाइट्स आर गुड जी। हुड असी ओपन कर ली है, कूलेंट जड़ा वा गुड आ, मैक्सिमम लैवल ते आ, वॉशर फ्लूड भी हैगा जी, एंड एवरीथिंग यदि मैं प्रोपरली इंस्पैक्शन करा जी। सेफ्टी विच असी स्टिकर भी चैक करना हुंदा, इहनू सेफ्टी स्टिकर कहिंदे आ। इहदी सेफ्टी ट्रक दी होई सी जी 2021 विच मार्च मंथ विच, 1 साल लई वैलिड हुंदा, 2022 मार्च तक वैलिड आ, उहदे बाद फिर इहदी सेफ्टी करवाउणी पऊगी। एक्शन करदे समें सानू एक होर चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए है, जिहड़ा स्टिकर जी नंबर प्लेट ते हुंदा है ट्रक दी, ते इह अप्रैल 22 तक वैलिड है, उस तो बाद सानू रीन्यू करवानी पऊगी जी। हुण ट्रक दे असी पेपर वर्क चैक कर लीए। ए जी ट्रक की ओनरशिप है जिहड़ी कि स्टिकर नंबर प्लेट दे लगा सी 2020 तक वैलिड है, प्लस जी ए सेफ्टी दा वा जी पेपर वर्क जी। ए ट्रक की इंश्योरेंस है जिहड़ी 22/7 तक वैलिड आ। ये कंपनी का CVR है जिहड़ा 2023/7 तक वैलिड है। हाँ जी जी, ये स्कैजुअल 1 है, ट्रक विच होना बहुत जरूरी है। ये जी सानू दसदा है कि केड़ी चीज़ साड़ी माइनर है ते केड़ी मेजर है। फॉर एग्जाम्पल, जे साड़ी ट्रक दियां लाइट्स नहीं जग रही तो वह हैगी है जी मेजर, उन्हूं आपां ड्राइव नहीं कर सकते। इहदे विच ईच एंड एवरी इनफॉर्मेशन दित्ती हुंदी है जी, ये आपां रीड कर सकते हैं जे सानू नहीं कुछ पता, तो यह होना बहुत जरूरी है। इंस्पैक्शन करन तो बाद असी अपनी इलैक्ट्रॉनिक लॉक बुक ऑन कर रही है। वैसे तो ट्रक दे विच इनबिल्ड हुंदी है, पर साड़ी कंपनी ने सानू एक्स्ट्रा फोन प्रोवाइड किए लॉक ई लॉक बुक चलाउण लई, इलैक्ट्रॉनिक लॉक बुक। हुण जी असी कर रहे हैं अपने यार्ड की सिक्योरिटी आउट, यार्ड तो आउट होने सिक्योरिटी से अपनी आई डी चेक करवानी पेगी। हैलो, हाउ आर यू? गुड, हाउ जी। हुण असी यार्ड तो चल पे हैं, तो इतों 5 मिनट की ड्राइव है जिथे असी ट्रेलर पिक करांगे। अपना हैगा ट्रेलर का पेपर वर्क, इतने लिखा हुआ ट्रेलर नंबर 9R0185, ये असी यार्ड चो फाइंड करके हुकअप करांगे जी। आपां नूं ट्रेलर मिल गया है 9R0185, लैंडिंग गियर ने
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੀਫਰ ਦਾ ਲੋਡ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ 'ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਉਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਰੀਫਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ, ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਡ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਫਿਊਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 3.4। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੈਫਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੀਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਏਅਰ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 401 ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਆ 401 ਈਸਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਬਾਊਂਡ, ਇੱਥੇ ਡੇ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, 4:30 AM ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਰੱਕ ਸਟੋਪ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸਟੋਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਟੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਲ ਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸਟੋਪ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਲਾਈਟਸ ਔਫ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾ ਤਾ ਡੋਕ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੀਫਰ ਔਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਕਰੇਗਾ ਔਫ ਲੋਡ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਫ ਲੋਡ। ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮ ਬੋਏ ਸਟੋਰ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਿਲਦਾ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੀ ਮੀਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਆਫਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਡਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 401 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਬੋਆਏ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰੋਪ ਕਰਾਂਗੇ।